हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी 28 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि मुंबई से जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्मॉल ब्रेस्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराने के लिए आए हैं। इन केस में हमने एक मार्किंग प्लेस करी है जहां से हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। बीनीथ अंडर द ब्रेस्ट हम मार्किंग प्लेस करते हैं, जिसको हम इंफ्रा मेमोरी फोल्ड भी बोलते हैं। यहां से हम लोग ब्रेस्ट को अंदर डालते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी। पेशेंट का मेन कंसर्न यही है कि उनके स्मॉल ब्रेस्ट हैं, तो उनको एक अपने बॉडी के साइज इम्प्लांट चाहिए अकॉर्डिंग टू हर शेप एंड साइज, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा भी ना लगे और बहुत ज्यादा हेवी भी ना लगे, बिल्कुल नेचुरल अपीरेंस दे। तो हमने इनके इसमें केस में चूज किया है 280 cc इम्प्लांट, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा, बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं लगेगा एंड शी विल बी कंफर्टेबल विद इट। इस ये जो इम्प्लांट है वो सेवन कंपनी का इम्प्लांट है, जो कि एक FDA अप्रूव्ड ब्रांड है, जो कि एक बहुत ही हायर क्वालिटी होती है टू डिस्क्राइब एनी इम्प्लांट कि उसके कोई चांसेस नहीं होंगे इन्फेक्शन के एंड एनीथिंग इन फ्यूचर। एंड अगर कोई पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, अगर कोई फीमेल डिसाइड करती है कि हाँ उनको बेबीज करने हैं, तो इसको इम्प्लांट करने के बाद एज सच कोई इश्यू नहीं आता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती, शी कैन डू द फीडिंग। इम्प्लांट का जो कॉस्टिंग होता है वो सेम होता है एंड साइजेस में डिफर। आप चाहें तो बड़ा साइज भी करवा सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लांट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 280 cc टू 650 cc ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की हाइट वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ये जो प्रोसीजर है नॉर्मली 45 मिनट्स टू 1 आवर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट को हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं, बेहोश करते हैं एंड 1 to 2 आवर्स में सर्जरी हो जाती है, जिसमें हम लोग ब्रेस्ट के नीचे से एक छोटा सा कट लगाते हैं एंड ये इम्प्लांट को अंदर प्लेस कर दिया जाता है। आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को बैंडेजेस रहती हैं, थोड़ा बहुत पेन रहता है एक हफ्ते तक, जिसके लिए पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, उससे पेन और स्वेलिंग थोड़ी रिड्यूस होगी। थोड़ा सा जो स्वेलिंग रहती है, हार्डनेस रहेगी, वो एक हफ्ते तक रहेगी। हर 3 दिन में पेशेंट को ड्रेसिंग कराना होती है एंड थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इन्फेक्शन ना हो उस प्लेस पे।